उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद इस कदर आगे बढ़ चुका है कि अब दोनों के बीच परमाणु हमले करने की धमकियां सुर्खियों में बनी हुई है। उत्तर कोरिया लगातार अमेरिका को कहता आ रहा है कि अमेरिका अपने आप को परमाणु हमला झेलने के लिए तैयार रखे। उधर अमेरिका में भी परमाणु हमले की बात चलती रहती है, लेकिन हाल ही में अभी अमेरिकी न्यूक्लियर कमांडर का एक बयान सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनका कोई भी उत्तराधिकारी परमाणु हथियारों से हमला करने का आदेश देता है और आदेश गैर कानूनी पाया जाता है तो उसे मानने से इनकार किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर वायुसेना जनरल जॉन हिटेन ने हैलिफैक्स अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच के एक पैनल से आज कहा कि उन्होंने और ट्रंप ने ऐसे परिदृश्य के बारे में बातचीत की थी और वो ट्रंप को बताएंगे कि वो गैरकानूनी हमला नहीं कर सकते। हिटेन ने कहा कि अगर ये गैरकानूनी है तो सोचिए क्या हो सकता है। मैं राष्ट्रपति जी से कहूंगा कि ये गैरकानूनी है, वो कहेंगे कि तो कानूनी क्या होगा, और फिर हम किसी भी स्थिति से निपटने की मिश्रित क्षमताओं के विकल्पों को रखेंगे। स्ट्रेटेजिक कमान युद्ध में परमाणु बलों को नियंत्रित करेगी। ये टिप्पणी तब आई जब उत्तर कोरिया की ओर से परमाणु हमले की धमकी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है और ट्रंप के आलोचकों ने उनके रुख को लेकर सवाल उठाए हैं। टीम वन कप न्यूज। वन कप न्यूज के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।